अरे बड़े भैया देखिए यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जो अपना साइज बढ़ा रहे हैं। मेरे भाई तो इनसे दूर ही रहे। गाइस मैं ग्रीन एंड गोल्ड हल्क बेबी हूँ और मेरा भाई ब्लैक गॉड हल्क बेबी है। और यहाँ पर देखिए कितने सारे लोग हैं, जैसे कि छूछू छास और ये इसकी भी टॉयलेट मॉन्स्टर, और साथ साथ में उधर तो यार एक रेड हल्क बेबी भी है, ये देखिए। अरे मैं अपना साइज जल्दी जल्दी बढ़ाऊंगा और बहुत बड़ा हो जाऊंगा। अरे भैया मेरे को भी अपना साइज बढ़ाना है इनकी तरह। नहीं मेरे भाई, ये बहुत अमीर लोग हैं और खतरनाक लोग हैं। अगर तूने इनके ट्रेडमिल पे अपना साइज बढ़ाना चाहो तो तेरी बैंड बजा देंगे। अरे भैया देखिए ना, ये अपना साइज बुलाए जा रहे हैं और आप मेरे को रोक लें। मेरा साइज का ही बढ़िया बढ़ रहा है और मेरा भी बढ़ रहा है। गाइस ये तो बड़े होते जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे यहाँ पर। भले भैया मेरे को भी प्लीज अपना साइज बुलाना है। अरे नहीं यार, ओ माय गॉड गाइस देखिए इस छोटे से बेबी चूचू चार्ल्स को कितना बड़ा हो गया ये, और इसकी ब्री टॉयलेट मॉन्स्टर तो उससे ही बड़ा हो गया। लेकिन भले भैया इसको देखिए, रेड गॉड हल्क तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। ओ भाई साहब, गाइस इसका साइज तो पूरे 10 करोड़ हो चुका है। मजा ही आ गया, मैं दुनिया का सबसे बड़ा रेड गॉड हल्क बन चुका हूँ। अब मैं किसी और को अपने जितना बड़ा नहीं होने दूंगा। भले भैया मेरे से नहीं देखा जा रहा है सब, मैं भी अपनी फैमिली का नाम रोशन कर लूंगा, मैं भी आगे जा रहा हूँ। नहीं मेरे भाई प्लीज रुक जा, ये लोग तुझे खत्म कर देंगे। भले भैया आप मेरा अच्छा नहीं चाहते, आप बोले। नहीं मेरे भाई, मैं तुझे बस बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। गाइस मेरे भाई को मैं कैसे समझाऊं यार, मेरे छोटे भाई सब मत कर। नहीं भले भैया मैं अपना छाइज बुलाऊंगा, देखिए भले भैया मेरा छाइज बल रहा है। नहीं 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 प्लीज प्लीज गॉड, मेरे भाई को कोई देख ना ले, बस साइज बढ़ाते हुए। मेरे भाई बस इतना साइज बहुत है, आजा आजा चल जल्दी से चलते हैं, आना मेरे भाई। नहीं भैया मैं अपना छाइज भले भैया मेरे को बचाओ। तू यहाँ पर हमारा ट्रेडमिल इस्तेमाल करके साइज बढ़ा खा गया। मेरे भाई को वो खा गया। रेड गॉड हल्क मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चोरी करते हो और बोलते हो छोड़ेगा नहीं, मैं तुझे ही मारूंगा। गाइस मैं लोगों से बदला लूंगा। कोई गाइस प्लीज मेरे भाई के लिए वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब। अबे देखो देखो कैसे रो रहा है बच्चा, कैसे रो रहा है। तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, अब मैं अपना साइज बढ़ाऊंगा, मैं बनूंगा जायंट ग्रीन एंड गोल्ड गॉड हल्क, तुम मुझे रोक नहीं सकते। अरे देखो देखो कीड़े को कैसे अपना साइज बढ़ा रहा है। गाइस प्लीज जल्दी से लाइक करो वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब, उससे मेरी मदद होगी। देखिए मैंने अपना साइज ऑलरेडी कितना बड़ा कर लिया, मैं तो अपने भाई से कई गुना ज्यादा बड़ा हो गया, लेकिन मुझे अपना साइज अभी और बढ़ाना है। अरे बाप रे ये क्या, अबे निकल जा यहाँ से वरना हम तुझे मार देंगे। अरे हाँ इसको मार दो, भगा दो इसको यहाँ से, मार दो इसको। काफी मजा आ रहा है। नहीं अरे बाप रे ये तो बहुत ही खतरनाक लोग है, लेकिन मैं मर नहीं सकता, मुझे अपने भाई का बदला लेना होगा। उस रेड गॉड हल्क को मेरे भाई पे बिल्कुल भी दया नहीं आई। गाइस मैं क्या करूं, मैं अपना साइज कैसे बढ़ाऊं, आइडिया। एक काम करते हैं, चेक करते हैं न्यूज़ पर क्या चल रहा है। अरे बाप रे ब्रेकिंग न्यूज, बेचारा टोनी स्टार्क, उसको बाहर निकाल दिया एवेंजर्स की टीम ने। अभी तक ये पता नहीं लगा कि टोनी स्टार्क को एवेंजर्स की टीम ने बाहर क्यों निकाला है एवेंजर्स में से। ओह नो, टोनी स्टार्क सर तो एवेंजर्स के लीडर हैं और एवेंजर्स ने अपने ही लीडर को बाहर क्यों निकाल दिया, ऐसी क्या वजह है। गाइस मुझे जाके पता करना पड़ेगा। अरे मैं बर्बाद हो गया, आज मेरा वो साइज बढ़ाने वाला ट्रेडमिल मेरे पास होता तो ये सब ना होता। क्या टोनी सर कौन सा साइज बढ़ाने वाला ट्रेडमिल। अरे बाप रे तू कितना बड़ा बच्चा है, क्या नाम है तेरा। मेरा नाम ग्रीन एंड गोल्ड हल्क है। मेरे भाई को कुछ लोगों ने, अमीर लोगों ने मार दिया, मुझे बदला लेना है। बच्चे बदला तो मुझे भी लेना है, असल में लावा गॉड अपने बेटे का साइज बढ़ाने के लिए मेरा ट्रेडमिल चुरा ले गया है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका ट्रेडमिल वापस लेके आऊंगा। गाइस अगर मैंने टोनी सर का ट्रेडमिल वापस ले लिया तो क्या पता वो मुझे मौका दे साइज बढ़ाने का। अरे मेरा बच्चा जल्दी से अपना साइज बढ़ा ले, बहुत मजा आएगा। गाइस देखिए ये है लावा गॉड और यहाँ पर अपने बेटे का साइज बढ़ाने के लिए बोला है, लेकिन इसका बेटा कहाँ है। अरे वाह पापा जी मैं अपना साइज बढ़ाऊंगा। ओ गाइस देखिए ये रहा उसका बेटा, और यहाँ पर मैं आपसे भी बड़ा लावा गॉड बन जाऊंगा। अरे बिल्कुल मेरे बच्चे तेरे लिए खास ट्रेल भी मैंने बनाया है। इसी तो झूठ बोल रहा है यार, इसने बनाया नहीं है चुराया है, कितने झूठे झूठे लोग हैं इस दुनिया में। चलो जल्दी साइज बढ़ा। नहीं तुम लोग कितने ज्यादा झूठे हो। आइडिया गाइस मैं चुपचाप एकदम चुपके से इस ट्रेडमिल को लेके भाग जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे पापा जी देखिए ये लंबी गर्दन का भूत कौन है, भूत इसको मारिए पापा जी। कौन लंबी गर्दन का भूत है, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं ग्रीन एंड गोल्ड हल्क हूँ। पापा जी इसको मारिए, देखिए ये इधर है इधर। मेरे बच्चों का ट्रेडमिल चुराता है, तुझे जान से मार दूंगा, तुझे दया नहीं आती। दया तुझे नहीं आई क्या जब टोनी स्टार्क का तूने ट्रेडमिल चुरा लिया। निकल जाओ यहाँ से। गाइस जितने भी बड़े लोग ताकतवर लोग लोग है ना, हम जैसे गरीबों को पीटते हैं मारते हैं। अरे बाप रे ये क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब मैं ट्रेडमिल कैसे लूं। लेकिन दोस्तों मैं बिना ट्रेडमिल के वापस नहीं जाऊंगा। आइडिया क्यों ना मैं इसके बेटे को डिस्ट्रैक्ट करके अपने पीछे ले जाऊं, फिर ये अपने बेटे को बचाने ये भी पीछे आएगा, उसके बाद मैं अपना ट्रेडमिल लेके भाग जाऊंगा। ए बुरे संकल्प इधर क्यों आया। अच्छा बेटा तुझमें ना
बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है जब देखो अपने पापा का छोटा सा बेटा बंदर रहता है। अगर हिम्मत है तो मेरे को मार कर गया, मैं तेरे को ना बिना साइज बढ़ाई मार दूंगा। हाँ अच्छा हिम्मत है तो चल बेटा मेरा पीछा कर। और हाँ हिम्मत है तो अपने पापा को मत बुलाइए। अरे रुक तेरे को गोली से मारूंगा। अरे पाप रे गाइस उस बच्चे पे तो गोली है, भागो जल्दी जल्दी भागो। अरे मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, अपना साइज नहीं बढ़ा। नहीं पापा जी पहले मैं उस बुरे गुंडे को मारूंगा। चिंता मत कर उसको तो मैं मस लूंगा। कहाँ है तू? फाइनली गाइस मैंने बाप बेटे का उल्लू बना दिया। अब जल्दी जाते हैं और जाकर ट्रेडमिल को सीधा टोनी सर के पास लेकर भगते हैं। अरे बाप रे चले जाता हूँ। अरे पापा जी मेरे ट्रेडमिल को वो छीन ले गया, कुछ कीजिए। फाइनली गाइस मैं काफी दूर आ गया, ये लीजिए टोनी सर। अरे मैं बर्बाद हो गया। टोनी सर देखिए मैं आपका ट्रेडमिल लेकर आ गया। क्या अरे वाह बच्चे तू मेरा ट्रेडमिल ले आया, ये सच में मेरा ही है ना? बिल्कुल मैंने लावा कोर्स से चुराया है, उसका बेटा साइज बढ़ाने वाला था। मेरे बच्चे काम कर, तू अपना इस पे पहले साइज बढ़ा ले, तू इसका हकदार है। क्या बात है। और अपने भाई का बदला लेना उन बुरे लोगों से जिसने तेरे भाइयों को बुरी तरह से बेरहमी से मारा है। बिल्कुल सही कहा आपने टोनी सर। गाइस देखिए मेरा साइज यहां पर 10,000 हो गया। ओह माय गॉड मैं तो यहां पर जायंट गॉड ग्रीन दद्दू हल्क बन गया। ओह माय गॉड कितना सही लग रहा हूं मैं। वहां बच्चे कमाल कर दिया, अब जल्दी जा और जाकर दुनिया को बचा, इस दुनिया को तेरी जरूरत है। क्या बात है गाइस, लेकिन मुझे अभी थोड़ा लावा गॉड से ना बच के रहना होगा। लावा गॉड ने मेरी शक्ल देख रखी है, उसने मुझे कहीं भी देखा तो पीटेगा क्योंकि मैं ट्रेडमिल छीन के लाया था ना उनका। चलो अब जल्दी जाते हैं शहर में और उस रेड गॉड हल्क को ढूंढते हैं और उस चूचू चार्ल्स को भी। हैं ये क्या लॉस सैंटोस शहर में इतनी गर्मी, मैं पूरी दुनिया को बर्बाद कर दूंगा। मेरे पोतों का ट्रेडमिल गायब हुआ है और मेरे बेटे का। क्वाट ये तो दद्दू लावा गॉड है। ओ भाई साहब गाइस ये क्या हो गया, लगता है जो इसका पोता है उसने शिकायत कर दी मेरे बारे में। उस ग्रीन एंड गोल्ड हल्क को मुझे दे दो नहीं तो पूरा लॉस सैंटोस खत्म हो जाएगा। अब तुम सभी को अपने घर अपने बाहर और अपना सारी चीजें मेरे हवाले करनी होंगी। नहीं हमें रोकना पड़ेगा इस सारी तबाही को, यार ऐसे तो पूरे लॉस सैंटोस को खत्म कर देगा। देखो इंसानों गॉड से टक्कर लेने का नतीजा। अरे नहीं प्लीज हमें मत मारो, जो चाहिए हमसे ले लो प्लीज, हम माफी मांगते हैं। एक मिनट गाइस वो लेडी क्या कर रही है, ये लीजिए सारे फल ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, हमारे घर भी ले लीजिए, लेकिन हमको मत मारिए, हमारी छोटी छोटी बच्चे हैं। बहुत बढ़िया है, मेरे सामने झुको वरना सबके सब मारे जाओगे। अरे कोई हमको इस खतरनाक लावा गॉड से बचाओ, ये बहुत ज्यादा खूंखार है। नहीं लावा गॉड मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गाइस ये लावा गॉड पचने नहीं वाला है, इसने मेरे लॉस सैंटोस की पब्लिक को परेशान भी कैसे किया। मैं सीधा जाता हूँ और इसकी बैंड बजाता हूँ। इतनी आसानी से नहीं बच्चे, पहले मेरे को तो देख ले, मैं तुझे खा जाऊंगा। अरे ये तो चूचू चार्ल्स है। अरे बाप रे तू इधर क्या कर रहा है? मैं तेरे को मारने के लिए आया हूँ, तू वही है ना जिसके भाई को रेड गॉड ने खाया था? हाँ मैं वही हूँ और अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये देख तेरे सामने तेरे प्यारे इंसानों को खा रहा हूँ। अरे भाई खा गया। अरे नहीं प्लीज मुझे छोड़ दे। ओह नो प्लीज चूचू चार्ल्स तुझे मुझे मारना है, मार लॉस सैंटोस गया। तो ले तुझे मारता हूँ, क्या कर लेगा तू? अरे बाप रे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। खत्म करके देगा कीड़े, तेरे बस की कुछ नहीं है। गाइस मुझे चूचू चार्ल्स को थोड़ा दूर ले जाकर उसको मारना होगा। जल्दी जल्दी जाता हूँ, पूरी स्पीड में जाता हूँ। आजा चूचू चार्ल्स हिम्मत है तो अब मैं तेरी। हैं एक मिनट ये क्या मैं ट्रेडमिल के इस्तेमाल से बहुत बड़ा जायंट डॉक्टर स्ट्रेंज बन जाऊंगा। ओह माय गॉड ये तो टोनी सर जैसा ट्रेडमिल है। आइडिया मैं डॉक्टर स्ट्रेंज को यहाँ पर बेहोश कर देता हूँ और इस ट्रेडमिल का इस्तेमाल करके अपना साइज बढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं चूचू चार्ल्स की बैंड बजा सकता हूँ। फेंक दिया। ऑलराइट गाइस अब समय आ गया अपना साइज पूरे 20,000 करने का। भाग 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 भाई ग्रीन एंड गोल्ड हल्क तुझे अपने भाई का बदला लेने के लिए इन सभी से ताकतवर होना का। भागो 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 गाइस, तब तक आप प्लीज कमेंट में ग्रीन एंड गोल्ड ओपी हल्क लिख दीजिए या जो आपका मन करे वो लिख दीजिए, लेकिन प्लीज मुझे सपोर्ट जरूर करना। देखिए यहां पर दोस्तों मेरा साइज 20,000 तो नहीं हुआ लेकिन काफी बेटर हो गया है। अब समय आ गया है दोस्तों यहां पर इस लावा गॉड साथ साथ में चूचू चार्ल्स की बैंड बजाने का। ए तू वापस आ गया, अरे पहले से बड़ा आया, अरे मार रहा है, अरे दद्दू बचाइए। क्या हो रहा है? ये ले लावा गॉड अब तू भी नहीं बचेगा। तू मुझे हिला नहीं सकता। मैं तुझे हिलाऊंगा नहीं, इस दुनिया से गायब कर दूंगा। आइडिया गाइस क्यों ना मैं यहाँ पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया के टेम्परेचर को नॉर्मल कर दूं, फिर तो लावा गॉड को परेशानी होगी क्योंकि ये सिर्फ गर्मी में रह सकता है। नहीं नहीं क्या हो रहा है, अरे भागो यहाँ से, ये तो यहाँ पर गर्मी नहीं ठंड होती जा रही है। गाइस देखिए यहाँ पर लावा गॉड चला गया और पूरी दुनिया का टेम्परेचर एकदम कूल कूल हो गया है। और दोस्तों अब एक काम करते हैं। अरे बापरे ये कौन आ रहा है? अरे भाई भाई शुक्रिया तुमने हमारे बीवी बच्चे को बचाया, हमारे घर बचाए, इसलिए हम तुझे उपहार में ये स्पेशल ट्रेडमिल देना चाहते हैं। बिल्कुल ले लो ये वाला ट्रेडमिल ले लो। व्हाट गाइस दुनिया वाले मुझे ट्रेडमिल देना चाहते हैं? जा भाई अपने भाई का बदला ले, उस स्किपिटी टॉयलेट मॉन्स्टर को रेड गॉड हल्क मचो। थैंक यू सो मच। और भाई तुझे एक और बात बतानी है। क्या बताइए? यहाँ पर ऑल फादर गॉड और रेड गॉड हल्क की लड़ाई हो रही है क्योंकि अवेंजर्स को रेड गॉड हल्क ने किडनैप कर लिया है। व्हाट ओह माय गॉड एक मिनट मेरा ट्रेडमिल फट गया यहाँ पे भागते भागते। बहुत बढ़िया भाई तेरा साइज 20,000 करोड़ हो गया है। ओह माय गॉड गाइस मेरा साइज सच में कितना बड़ा हो गया है,
लेकिन दोस्तों मैं उस रेड गॉटल को छोड़ूंगा नहीं, उसने लिटरली अवेंजर्स को किडनैप कर लिया, तो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा ऑल फादर गॉड, अवेंजर्स सब मेरे हैं। ओ भाई साहब यहाँ पर इतना बड़ा ऑल फादर गॉड भी है, ऑल फादर गॉड की और यहाँ पर रेड गॉटल की लड़ाई हो रही है। अब चुपचाप पूरी दुनिया को मेरे हवाले कर दे ऑल फादर गॉड, वरना तेरे बच्चे को भी खा जाऊंगा। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, मेरे अवेंजर्स को मेरे हवाले कर दे वरना रेड गॉड हल्क मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे तेरे बस की होता मुझे मारना तो कब का मार देता, देख मैंने इनको कितनी बुरी हालत में रखा हुआ है। ओह नो मेरे प्यारे एवेंजर्स कितनी बुरी तरह से रेड गॉड हल्क की कैद में बुरी तरह से जब्त पड़े हैं। भाई इसमें छोड़ूंगा नहीं इस रेड गॉड हल्क को, इसको खत्म कर दूंगा। प्यारे एवेंजर्स कितनी बुरी हालत में, मैं तुझे खत्म कर दूंगा रेड गॉड हल्क, इतनी आसानी से नहीं, अभी बताता हूं यला। अरे नहीं कोई मुझे बचाओ। ओह नो गाइस ऑल फादर गॉड को ये रेड गॉड बुरी तरह से मार रहा है, गाइस यहां पर बहुत खतरनाक ये चल रहा है आइडिया मैं। अरे नहीं मुझे ऑल फादर गॉड की मदद करनी होगी, वरना अगर ऑल फादर गॉड हार गया तो शायद रेड गॉड हल्क को हराना मुमकिन हो जाएगा और मैं कभी अपने भाई का बदला नहीं ले पाऊंगा और शायद अवेंजर्स को भी खो दूंगा। एक मिनट ये क्या, ये तो स्किबरी टॉयलेट मॉन्स्टर है। अरे बहुत बढ़िया हुआ। ए, तुम लोग यहाँ पर शैतान पना क्यों कर रहे हो, ये लो मैं तुम्हारी पैंट बजा दूंगा। ये कौन है? अरे बॉस, अरे ये तो वही कीड़ा है जिसके भाई को आपने खाया था। अच्छा जा स्किबरी टॉयलेट मॉन्स्टर इसको तू खा जा। बिल्कुल, अरे शौक से खाऊंगा इसको, यम यम करके चबा जाऊंगा। अरे बाप रे ये तो स्किबरी टॉयलेट मॉन्स्टर। तूने लगा कि यहाँ पर तू चूचू चार्ल्स को हरा देगा तो हमें हरा पाएगा, ये ले हम तेरी बैंड बजा देंगे। अरे बाप रे ये लोग बहुत ताकतवर है, मैं क्या करूं, ये ले मैं तुझे मार दूंगा। एक मिनट गाइस मैं अपने मुंह से लेजर निकाल पा रहा हूँ, मुझे पता नहीं था। अरे बाप रे ये कैसी अद्भुत पावर है, मेरे को बचाओ। गाइस देखिए यहाँ पर मैंने स्किबरी टॉयलेट मॉन्स्टर का तो खात्मा कर दिया, अब बचा ही रेड गॉड हल्क। अरे बाप रे ये क्या, तूने स्किबरी टॉयलेट मॉन्स्टर को कैसे हरा दिया, अभी बताता हूँ मैंने कैसे हराया। अब गाइस देखिए हम यहाँ पर रेड गॉड हल्क को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेंगे और इसको इतनी तेज घुमाएंगे कि इसका पूरा सर चकरा जाएगा। नहीं 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 मुझे चक्कर आ रहा है, और मुझे चल मेरे प्यारे अवेंजर्स को छोड़ दे वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ठीक है और मैं उनको छोड़ता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे। देखिए गाइस यहाँ पर रेड गॉड हल्क की क्या ही बैंड बजाई है मैंने, उसको ऊपर से लेकर नीचे तक बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर रेड गॉड हल्क को हार माननी पड़ेगी और मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर अवेंजर्स का ख्याल करना होगा। गाइस देखिए यहाँ पर सारे अवेंजर्स भी आ रहे हैं। अरे 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 ये कहाँ गिर रहे हैं, अरे बाप रे टोनी सर ये क्या हुआ। हल्क को लगता है किसी ने हमको बचाया। बिल्कुल सही कहा, और मुझे बचाया कि किसने बचाया, मेरे प्यारे दोस्तों मैं मिलाता हूँ आपको इस प्यारे से जायंट ग्रीन एंड गोल्ड हल्क से। असल में बचपन में इसके भाई को इससे छीन लिया गया था, इसलिए ये बदला लेने के लिए इतना ज्यादा ताकत बना है। अरे बाप रे टोनी तू क्या कर रहा है, मैं यहाँ पर इस बच्चे के लिए उपहार रेडी कर रहा हूँ, इस ट्रेडमिल का इस्तेमाल करके ये दुनिया का सबसे बड़ा साइज 10,000 करोड़ करके ऑल फादर ग्रीन एंड गोल्ड हल्क बन जाएगा। अरे वाह हल्क को भी मजा आएगा। ऑल राइट गाइस टोनी सर ने मेरे लिए ट्रेडमिल तैयार किया है ना, भाई काम करते हैं इस ट्रेडमिल में इतनी तेज भागेंगे कि आज तो कोई भागा भी नहीं होगा। गाइस देखिए लिटरली मैं क्या स्पीड से भाग रहा हूं, मेरे पैर मूवमेंट भी सीख से दिख नहीं पा रहे। वाह बच्चे वाह कमाल कर दिया तूने। ऑल राइट गाइस मैं आधा ग्रीन एंड आधा गोल्ड ऑल फादर ग्रीन एंड गोल्ड जायंट 10,000 करोड़ का गॉड हल्क बन चुका हूं। गाइस आज मेरा भाई जहां भी होगा ना वो बहुत ज्यादा खुश होगा। अगर आप भी अपने भाई से अपनी फैमिली से प्यार करते हैं तो आई लव फैमिली जरूर लिखना है। आई लव माय फैमिली। हल्क भी अपनी फैमिली से प्यार करता है। अरे मैं भी करता हूं, अरे मैं भी करता हूं। बाकी गाइस आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए, बहुत ज्यादा मजा आएगा। थैंक यू सो मच। हे